नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टीवन स्मिथ जिनके चर्चाएं उनके बैटिंग से ज़्यादा उनकी चीटिंग की है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं बॉल टेम्परिंग की। तो बॉल टेम्परिंग का किस्सा जब उनके साथ हुआ था और उसके बाद जब वह वीडियो वायरल हुई और उन पर बैन लगाया गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टीवन स्मिथ काफ़ी मायूस दिखे और सभी के सामने रोने लग पड़े। तब स्टीवन स्मिथ ने कहा था कि मैं ऐसा वाकया फिर दोबारा नहीं करूंगा और इससे सीख लूंगा। उस समय कुछ क्रिकेट फैंस ने स्टीवन स्मिथ के प्रति संवेदना भी जताई थी। इससे पहले भी स्टीवन स्मिथ को ऐसे ही खेल में चीटिंग करते हुए देखा गया। 2017 में हुए भारत के खिलाफ मैच में स्टीवन स्मिथ ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके रिव्यू लेने के बारे में पूछने लगे और उसके बाद अंपायर ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेकिन जब स्टीवन स्मिथ से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर स्टीवन स्मिथ विवादों में फंस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ हुए तीसरे टेस्ट मैच जिसका आखिरी दिन आज था, भारत ने अच्छी बल्लेबाजी करके ये मैच ड्रॉ करवा लिया। लेकिन स्टीवन स्मिथ ने इस मैच में कुछ ऐसा किया जिससे स्टीवन स्मिथ पर फैंस काफ़ी बौखला उठे और सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना भी की। तो हुआ यूं कि मैच के चौथी पारी के दौरान जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तब ऋषभ पंत और अन्य खिलाड़ी सभी पानी पीने जा रहे थे, लेकिन स्टीवन स्मिथ जिनके मन में कुछ और ही चला था वे आकर सीधे पिच पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने जूते से पिच को नुकसान पहुंचाना चाहा। उन्होंने स्टीवन स्मिथ ने ऋषभ पंत के विकेट गार्ड को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया तो अपने ही खिलाड़ी का साथ देंगी। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की और इस दौरान टीवी पर पुराने मैचेस की फुटेज दिखाने लग गए। ऐसा देख क्रिकेट फैंस को काफ़ी गुस्सा आया और कुछ ने तो ऐसा कह दिया कि जो एक बार बेईमानी करता है वो बार बार बेईमानी करता है। तो दोस्तों ये थी हरकत स्टीवन स्मिथ की। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देखो सबसे पहले। धन्यवाद।